ठुमक ठुमक कर चली बंदरिया, सिर पर ओढ़े लाल चुनरिया, चली पहन कर नीली चोली, पीछे भागी नटखट टोली। टोली देख वह घबराई, दौड़ी ऐसे नजर न आई। ओके कम ऑन से द नेक्स्ट टाइम। लोकेंद्र स्टैंड अप, यू आर ऑल्सो इन द क्लास। यस नाउ द नेक्स्ट टाइम इज मेरी बिल्ली। स्टार्ट। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में भीगी हो गई गीली, गीली होकर लगी चीखने, जोर जोर से लगी चीखने। मैंने बोला कुछ तो सीख, मुंह पर हाथ लगा कर छींक। ओके नाउ बच्चों, नेक्स्ट टाइम इज चूहा चला स्कूल। मितांश स्टैंड अप, स्टैंड अप। यस। नई पैंट और गले में टाई, चला स्कूल चूहा लो भाई, पढ़ लिख कर वहां आएगा, सब पर रोक जमाएगा। बिल्ली मौसी भी हुई हैरान, चूहे को न सकी पहचान। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड सिट डाउन। एंड बच्चो नाउ गेट योर न्यूमरेसी स्किल बुक, गेट योर न्यूमरेसी स्किल बुक। सो हैव यू रिमेम्बर्ड यस्टरडे वी लर्न अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड। तो मैम ने आपको बताया था इनसाइड मतलब होता है अंदर, जो भी चीज, जो भी इंसान, अ पर्सन थिंग ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड, अंदर है जो, ठीक है। और आउटसाइड मतलब होता है बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर। सो इन न्यूमरेसी स्किल बुक ओपन पेज नंबर 7। सो हियर टुडे ऑल्सो वी हैव टू डू इनसाइड एंड आउटसाइड एक्टिविटी। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट। टिक द बॉक्स। देखो एग्जाम्पल इज गिवन हियर, लुक लुक एट द डॉग्स। आप देख रहे हो दिस डॉग इज इनसाइड द कैनल, ये डॉग अपने घर के अंदर है देखो, एंड दिस डॉग इज आउटसाइड द कैनल, ये अपने घर के बाहर है। इनसाइड मतलब, नो मैम इन इंग्लिश, भले ही उन्हें आप छोटे स्मॉल सेंटेंसेस सिखाइए, बट इट मस्ट बी इन इंग्लिश ओनली। लुक, ये जो डॉग है ये अंदर है, एंड दिस डॉग इज आउटसाइड, ये बाहर है। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टिक द बॉक्स विद द फिश आउटसाइड द बॉल। आपको उस बॉक्स को फिल करना है In which the fish is outside the ball, जिसमें fish अंदर नहीं बाहर है, outside. So which one is outside? बाहर कौन सी है? This one. So we have to make a tick mark here in front of the fish which is outside the bowl.
नाउ नेक्स्ट टेक द बॉक्स विद द फ्लावर्स इनसाइड द वास। अब देखो वी कैन सी टू वासेस हियर, है ना, वी कैन सी टू वास हियर। सो इन वन द फ्लावर्स आर इनसाइड एंड इन वन द फ्लावर्स आर आउटसाइड। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द बॉक्स विद द फ्लावर इनसाइड द वास। ऐसे वास को आपको टिक करना है जिसमें फूल इनसाइड है, अंदर है। सो दिस वन वी हैव टू टिक इन फ्रंट ऑफ दिस। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ओके ओके दृश्या वेट। कम ऑन, राइट डाउन द डेट इन योर हिंदी कॉपी 7/12/2021 एंड राइट डाउन द हेडिंग मदर्स। Let's start. Come on. Say and write. Ka. Ka se kamal. Bolenge or likhenge? Read it and write it. Then. Ka se khargosh. Then. ग से गमला। आफ्टर ग घ से घर। देन अण, अण है खाली, बजाओ ताली। Then, च से चम्मच। Then, च से छाता। Write down neatly. Try to write in straight lines. Jase jug. Read and write. Then. Jase jhanda. And Nia. निया है खाली, बजाओ ताली। देन तो से टमाटर। देन थो से ठठेरा। Then the do se damru. Dha se dhakkan. And no. न है खाली, बजाओ ताली। देन त से तरबूज। आफ्टर त थ से थर्मस।
देन द से दवात बोल कर लिखेंगे. देन ध से धनुष. And na se nal. Then pa se patang. फ से फल. देन ब से बकरी. भ से भालू. एंड म से मछली. प फ ब भ म. देन य से यज्ञ. बोल कर लिखेंगे सब. रीड एंड राइट, रीड एंड राइट. र से रथ. Then L से लट्टू. व से वक. एंड श से शलगम. य र ल व श. या से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक एंड श से शलजम. Then I'm writing it here as I don't have a space over there. Now, sh se shatkon. Sa se sadak. Ha se hal. Then sh se kshatriya. Then tra se trishul. And at last gya se gyani.
ज्ञ से ज्ञानी, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। राइट डाउन केयरफुली नीटली, लेट्स स्टार्ट। तो मैम ने आपको बताया था कि जब हम दो या उससे ज्यादा अक्षर को साथ में लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? शब्द। चलो विल रीड दो अक्षर वाले शब्द, कम ऑन एवरीवन। फ ला फल, न ल नल, कम ऑन। ह ला हल, देन च ला चल एंड क ला कल। नाउ र थ रथ, ट ब टब, घ र घर, देन र थ रथ, ओके, ट ब टब, घ र घर, देन ब स बस। ठीक है, चलो विल रीड इट टुगेदर। फाला फल, नाला नल, हला हल, चला चल, कला कल, देन रथा रथ, टबा टप, घरा घर एंड बसा बस। ओके, अब ये क्या है? दो अक्षर वाले शब्द। अब आप मेरी बात अच्छी तरह से सुनना, पे अटेंशन, लिखना बंद करो, पे अटेंशन यार। मैम ने आपको बताया था, मैम टोल्ड यू, जब हम दो अक्षर को साथ में लिखते हैं तो वो शब्द बनते हैं। अब जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को एक साथ एक लाइन में लिखते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। क्या बन जाता है? वाक्य, सेंटेंस। जब हम दो या उससे ज्यादा शब्दों को एक ही लाइन में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य। क्या बन जाएगा? व्हाट विल इट बिकम? वाक्य। जैसे देखो, ओके, है ना, मैम ने क्या करा? मैम ने दो से ज्यादा शब्दों को एक साथ एक लाइन में लिखा है, तो ये क्या बन गया? वाक्य। व्हाट इट विल बिकम? वाक्य। चलो रीड। बसा बस, देन गैप करना है यहां, परा पर, घर घर और चला चल। ओके, अब हम रीड करेंगे। देखो, बस पर घर चल, है ना, तो ये क्या बन गया? सेंटेंस, वाक्य। जब हम दो से ज्यादा शब्दों को
दो या उससे ज्यादा शब्दों को एक लाइन में लिखते हैं, देन इट विल बिकम वाक्य. ऑल राइट, समझ में आया? और हर शब्द के बीच में वी हैव टू लीव वन फिंगर गैप. अंडरस्टूड? वाक्य क्या होता है? वाक्य मतलब जब हम दो या उससे ज्यादा शब्दों को साथ में लिखें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा ठीक है, चलो अब रीड करो. अब देखो दो से ज्यादा, दो या उससे ज्यादा शब्द हैं साथ में, सो व्हाट विल कॉल इट? वाक्य. पढ़ो. र था रथ, प रा पर, च ला चल. अब हम पढ़ेंगे वाक्य. रथ पर चल, ठीक है? मतलब मीनिंगफुल. आपका कोई भी, आप जो वाक्य बना रहे हो उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज वाक्य. व्हेन वी राइट डाउन टू और मोर देन टू वर्ड्स, टू शब्द इन अ लाइन व्हिच विल मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, व्हिच विल मेक सम मीनिंग, जो कुछ मतलब बताता हो, दैट आर नोन एज वाक्य. उनको वाक्य कहते हैं जब हम दो या उससे ज्यादा शब्दों को एक लाइन में लिखेंगे एक साथ और उसका कुछ मीनिंग निकले, उसका कुछ मतलब निकले, तो उसको हम कहेंगे वाक्य. व्हाट वी कॉल इट? वाक्य. ऑल राइट, चलो ओके बच्चों, नाउ विल एंड द क्लास. कम ऑन एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर. स्टार्ट. The school is over for us today. Done our work, done our play. Before we go, we come to say thank you, Heavenly Father, for this beautiful day. All right, bachcho, bye bye. Take care. Have a nice day.